हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की फॉर सक्सेस। आज हम लोग देखेंगे थर्ड वीक का फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सुगर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 29 रुपीज पर किलोग्राम से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 31 रुपीज। तो 31 रुपीज अब किसानों को सुगर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक न्यू माइक्रो इंश्योरेंस प्लान की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है माइक्रो बचत। तो माइक्रो बचत के नाम से माइक्रो इंश्योरेंस प्लान अभी हाल ही में किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को हुई। और एलआईसी की जो टैग लाइन होती है उसका नाम है योगाक्षेमम, योगाक्षेमम वहाम्यहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट मैनफ्रेड ईगन की अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के नागरिक हैं? तो इसका सही आंसर है वो जर्मन है, यानी जर्मनी के नागरिक को जर्मन कहा जाता है। और जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की जो राजधानी होती है वो बर्लिन होती है, और जर्मनी की करेंसी जो है वो यूरो है। और जर्मनी के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मार्केल, और विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नंबर 1 स्थान पर हमेशा रहती हैं एंजेला मार्केल। अभी हाल ही में भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा एक बुक रिलीज की गई है नई दिल्ली में, और ये बुक जो लिखी गई है वो भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई है, और इस किताब का नाम है अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम। और एक और बुक रिलीज की गई है किसके द्वारा? भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा, और इस बुक का नाम है सेलेक्टेड स्पीचेज वॉल्यूम 1। और ये किसके सेलेक्टेड स्पीचेज है? तो वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के स्पीचेज को सेलेक्ट किया गया है। और ये कितने स्पीचेज इसमें शामिल किए गए? 92 स्पीचेज। और ये किसके द्वारा रिलीज की गई ये बुक? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो किससे कन्वर्ट किया गया है? डीजल लोकोमोटिव इंजन से। और ये कहाँ पे तैयार किया गया है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। और ये DLW यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी में DLW यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, वहीं पे डीजल लोकोमोटिव इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया, और ऐसा किया जाने वाला ये विश्व का पहला प्रक्रिया है जिसके शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में द यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु, जो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं और साथ साथ एविएशन मिनिस्टर भी हैं, तो इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है नई दिल्ली में, जिसका नाम रखा गया है स्वायत्त। स्वायत्त की अगर बात करें तो स्वायत्त एक इनिशिएटिव यानी पहल है जो प्रमोट करता है स्टार्टअप्स को, और खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए एक ई ट्रांजेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। कहाँ पे? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर has been conferred the first ever football ratna honor by football delhi। तो अभी हाल ही में football delhi के द्वारा पहला football ratna नाम से एक award दिया गया है। तो किसको दिया गया है? किस भारतीय professional footballer को दिया गया है? तो इसका सही answer है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री को football ratna दिया गया है किसके द्वारा? football delhi के द्वारा दिया गया है। पुलवामा अटैक के बाद भारत के सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए किस देश के का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस ले लिया है? और तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। और इंडिया ने पाकिस्तान से आयात होने वाली चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी को भी क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो कितना परसेंट बढ़ाया है? 200%। हाल ही में पेटा के द्वारा, पेटा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो अभी हाल ही में किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ऑस्कर्स अवार्ड दिया गया है? आप तो ऑस्कर अवार्ड आप नाम सुने होंगे, लेकिन एनिमल्स से रिलेटेड जो मूवी बनती है उसके लिए एक अलग से ऑस्कर्स अवार्ड भी दी जाती है। तो बेस्ट डायरेक्टर को ऑस्कर्स अवार्ड पेटा के द्वारा किसको दी गई है? तो इसका सही आंसर है ब्रैडली कूपर को। और ब्रैडली कूपर को किस लिए दी गई है? तो एक फिल्म बनाया है अ स्टार इज बॉर्न, जिसमें एक डॉग है और ये एनिमल पे आधारित फिल्म है, इसीलिए ब्रैडली कूपर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पेटा के द्वारा ऑस्कर्स अवार्ड। अभी हाल ही में किसको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ लाल को। और सिद्धार्थ लाल की अगर बात करें तो सिद्धार्थ लाल MD एंड CEO हैं किस कंपनी के? आयशर मोटर्स के।
अभी हाल ही में यूएसए के अटॉर्नी जनरल के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विलियम बार। तो विलियम बार इज अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। अगर इंडिया के अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो इनका नाम है के वेणुगोपाल। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है तो के वेणुगोपाल नाम है। और यूएसए के अटॉर्नी जनरल अभी हाल बनाए गए हैं किसको? विलियम बार को। एयर इंडिया के सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया का किसे अभी हाल में अपॉइंट किया गया? तो इसका सही आंसर है अश्वनी लोहानी को। तो याद रखिएगा अश्वनी लोहानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कंट्रोलर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है चंद्रमौली रमानाथन को। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल इस समय है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस ये यूएनओ के महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे मनाते हैं और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ के कंट्रोलर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में चंद्रमौली रामानाथन को। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूपी, क्योंकि यूपी में झांसी से लेकर आगरा तक ये कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है। तो झांसी और आगरा दोनों ही कौन सी स्टेट में है? यूपी में। और एक दूसरा भी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा वो तमिलनाडु में। तो भारत में दो जगहों पे ये डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया है, एक यूपी में और दूसरा तमिलनाडु। अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्स के लिए एक अलग से बोर्ड काम करती है उसके नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आईआरएस यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज जो जिनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी को नया चेयरमैन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के। पहले सुशील चंद्रा हुआ करते थे, अब प्रमोद चंद्र मोदी हैं। अभी हाल ही में कौन सी पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं जिन्होंने इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर है हीना जायसवाल। तो हीना जायसवाल ने एक इतिहास रचा है किस मामले में? कि ये पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हीना जायसवाल। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक वायु अभ्यास किया गया है जिसका नाम है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2019। ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका सही आंसर है पोखरण। तो पोखरण अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पोखरण में ही भारत में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और इसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा की अगर बात करें तो ये कोड नेम है भारत के सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट का जो कौन से ईयर में हुआ था? 1874 में हुआ था। हाल ही में हुए ईरानी कप जो क्रिकेट से रिलेटेड है ये किस टीम ने जीती है ईरानी कप 2019? तो इसका सही आंसर है विदर्भा। अब विदर्भा ने किसको हराकर? रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। तो ईरानी कप 2019 क्रिकेट जो जीती गई है वो विदर्भा टीम के द्वारा जीती गई है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल 2019 के जरिए संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो शिमला है, लेकिन जब कुछ समय के लिए बर्फबारी ज्यादा होती है तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है धर्मशाला। तो धर्मशाला की अगर बात करें तो धर्मशाला एक सेकेंड ऑफिशियल कैपिटल होती है हिमाचल प्रदेश की अस्थायी तौर पे। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक लेडीज पोर्टल लॉन्च किया है। तो लेडीज जो पोर्टल है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ लेडीज, तो इसका सही आंसर होगा लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस विदेशी कंपनी के साथ साइन किया है जिसके तहत 60,000 बैरल पर डे बाय करेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? तो ये कंपनी है यूएस ऑयल और यूएस ऑयल एक अमेरिकी कंपनी है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है अन्नदाता सुखी भव स्कीम, जो किसानों के लिए है और उन किसानों के लिए है जिनकी खेती करने वाली जमीन 5 एकड़ से कम हो, इनके लिए कितने रुपए इस योजना के तहत सालाना दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 9,000 रुपीज।
यहीं पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक सेम इसी टाइप की स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना जिसके तहत 6000 सालाना रुपए देने की बात कही गई है, तो इसी स्कीम को एक्सटेंड करते हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 6000 प्लस 3000 अपनी तरफ से देने का वादा किया है, जिसके तहत किसानों को कितने हजार मिलेंगे, 9000। तो ये एडिशनल 3000 ऐड होंगे 6000 में, जो एक तरह से प्रधानमंत्री किसान योजना का एक्सटेंशन है, अन्नदाता सुखी भव स्कीम, जो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी होगी वो अमरावती है, और आंध्र प्रदेश के जो इस समय जो CM है उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, और ESL नरसिम्हन आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। 12th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2019 का इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन कहां पे हेल्ड किया गया था 20 से 24 फरवरी, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में कहां पे, यालहंका जो इंडियन एयर फोर्स है यहीं पे इसके आयोजन की गई थी। क्रिस गेल ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट का अनाउंस किया है वनडे इंटरनेशनल मैचेस से, तो ये किस कंट्री से या किस टीम से खेलते हैं, तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज, और ये एक जमैकन क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही है। अभी हाल ही में हुए कतर ओपन टाइटल 2019 में वोमेन सिंगल कैटेगरी में कौन विजेता रही है, तो इसका सही आंसर है एलिस मर्टेंस, जो एक बेल्जियन टेनिस प्लेयर है। 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो इसका सही आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वहीं पे 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इंटरिम डिविडेंड के तौर पे गवर्नमेंट को कितने हजार करोड़ रुपए देगी, तो इसका सही आंसर है 28,000 करोड़ रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरिम डिविडेंड के तौर पे 28,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। क्लाइमेट साइंटिस्ट वैलेस स्मिथ ब्रोएकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस हैं, किस टर्म के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ग्लोबल वार्मिंग, इन्होंने सबसे पहली बार ग्लोबल वार्मिंग को रिकॉग्नाइज किया था। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को, तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी को, तो 20 फरवरी को हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, तो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो इसका सही आंसर है अशोक दिलवाली को, तो याद रखिएगा अशोक दिलवाली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसमें, नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में। भारत की पहली फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहां पे किया गया है, किस शहर में, तो इसका सही आंसर है साइंस सिटी कोलकाता में, तो कोलकाता साइंस सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है, यह भारत का सबसे पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर है। 48th इंटरनेशनल एनुअल डिजर्ट फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है, तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने कालिया स्कॉलरशिप किसानों के बच्चों के लिए जारी किया है, तो इसका सही आंसर है ओडिशा, तो ओडिशा सरकार के द्वारा कालिया स्कॉलरशिप शुरू किया गया है, किसके लिए, किसानों के बच्चों के लिए, ये राज्य सरकार ने शुरू किया है ओडिशा की गवर्नमेंट। 12th एडिशन एशियाज प्रीमियर एयर शो जिसका नाम रखा गया था एरो इंडिया 2019, ये किस एयर फोर्स स्टेशन पे शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर है यालहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु। भारत की वो कौन सी पहली महिला बॉक्सर बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्त्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया बुल्गारिया में, तो इसका सही आंसर है मीना कुमारी देवी, तो मीना कुमारी देवी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने स्त्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट जो अभी हाल ही में हुआ है सोफिया बुल्गारिया में, उसमें गोल्ड मेडल जीती है मीना कुमारी देवी। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 21 फरवरी को, यानी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, और इसकी जो थीम रखी गई है 2019 के लिए वो है इंडिजिनस लैंग्वेज एज अ फैक्टर इन डेवलपमेंट पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन। ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत तो ODB का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसमें बेटर डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, तो इसका सही आंसर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, जिसको हम ODB कहते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 73rd मेंबर के तौर पे एग्रीमेंट पे साइन किस देश ने किया है, तो इसका सही आंसर है सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 73rd मेंबर बन चुका है, और सऊदी अरबिया की जो राजधानी है वो रियाद होती है, और सऊदी अरबिया की जो करेंसी होती है वो रियाल होती है, और सऊदी अरब के जो इस समय प्रिंस है जो भारत यात्रा पे आए थे जिनका नाम है मोहम्मद सलमान अल सऊद, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर
जो बनाया जा रहा है वो गुरुग्राम में, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया के पहल से ही ये अलायंस तैयार किया गया है। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।